हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं इधर मैं इधर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण। बात करते हैं आज की स्पेशल खबर पर। राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित हुए हैं। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। किस मामले में किया गया वो भी आपको बताते हैं। मोदी जी मामले में राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। क्या सुनाई थी? 2 साल की सजा। अब ये 2 साल की सजा से प्रक्रिया क्या है, इस पर भी बात करते हैं। जब किसी सदन के सदस्य को 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो सदन अध्यक्ष द्वारा सदन की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होता है भाई। वो सदन की सदस्यता से उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। कौन? सदन अध्यक्ष भाई। अब बात करते हैं इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनती है ऐसी स्थिति में। जब किसी सदन के सदस्य की सदस्यता को रद्द किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 साल तक चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जा सकता है। क्या? 6 साल तक चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी है। अब आगे क्या क्या उम्मीद है सदन की सदस्यता के लिए। अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी जी के पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी अवसर बाकी है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। तो ऐसी खबरों के लिए आप लोग बने रहें और मिलते हैं आपसे अगली अच्छी खबरों के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।